गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 6। ठीक है, हमने 6 चैप्टर में 6.4 कर ली थी, आज हम 6.5 करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। तब तक सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमें इस एक्सरसाइज में ये बताना है कि कौन से त्रिभुज आपके समकोण है। समकोण त्रिभुज होने के लिए आपको एक पाइथागोरस थ्योरम है, जो आप स्टार्ट की भी आपने पहले भी की है, तो उसका यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, कर्ण का स्केयर किसके बराबर होता है, लंब का स्केयर प्लस में आधार का स्केयर। अगर ये रूल फॉलो कर जाए तो आपकी कोई भी त्रिभुज जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। आपको ये बताना है कि आपकी ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। देखो, आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कर्ण कौन है। कर्ण वो होता है जो सबसे ज्यादा बड़ा हो, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 25। तो 25 हम क्या मान के चलेंगे, कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्केयर बराबर है लंब का स्केयर। कर्ण कितना है, 25, 25 का स्केयर, 7 का स्केयर प्लस 24 का स्केयर, 749 और 24 की गुणा करेंगे 576, इनकी गुणा करेंगे तो 625 और 25 की 625। देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। अगर ये साइड बराबर आ जाती है तो हमारी ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, आपके पास 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं दी हुई है। सबसे बड़ी कौन है, 8, तो इसको 8 का स्केयर कर दो। ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो कर्ण होगा, वो इस तरफ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो बाकी बची है वो चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 8 64, 6 6 36, 3 3 9, 9 6 15 और ये 4। देखो ये दोनों बराबर नहीं आए तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, 50 80 और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, 100, तो 100 का स्केयर बराबर 80 का स्केयर प्लस 50 का स्केयर। 100 का करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 10,000। ठीक है, और इसका करेंगे 80 का तो 8 8 64 और 2 0, 5 5 25 और 2 0। ठीक है, तो 0 0 9 6 2 8 ये आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आई राइट के, तो ये भी क्या एक समकोण त्रिभुज नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 13 सेंटीमीटर, 12 और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कौन, 13, 13 का स्केयर बराबर 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। 13 13 169, 12 12 की करोगे तो 144, 5 5 25, ये क्या 169 आया। तो अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज तो दिया हुआ है, आपको जिसका कोण पी जो है वो समकोण है। पी क्यू आर आपकी क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका पी जो है ना वो आपको समकोण दिया हुआ है। ठीक है, तथा क्यू आर बिंदु क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम वो क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर के। ठीक है, तथा पी आपको दर्शाना है कि पी एम का स्केयर बराबर में क्यू एम, पी एम का स्केयर तब स्केयर बराबर में क्यू एम इंटू में एम आर आए। ठीक है, इंटू में एम आर आए कैसे करेंगे, देखो आपको ये दिया हुआ है, दो त्रिभुजें दे दी इस तरीके से दे रखा है।
कि क्या वो आर के ऊपर कोई एम है जो कि लंब डाल रहा है पी तक, तो ये ना बड़ी गिगा कौन बनाता है? हाँ इसमें हमें क्या करना है, पी एम का स्क्वायर क्या हुआ ये दर्शाना है और ये पी क्या हुआ आर एक समकोण त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर और क्या हुआ एम डॉट सॉरी एम आर, ये हमें सिद्ध करना है। और आपको दिया हुआ कि इस प्रकार स्थित है और दिया है पी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्या हुआ आर के ऊपर, ठीक है ये हमें दिया हुआ है। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ ये सिद्ध करना है, तो हम यहाँ सिद्ध करना होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दे रखा है आपको, आपको ये दिया हुआ पी क्या वो आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी है, समकोण है जिसका पी क्या है समकोण है, जैसे आपकी ये है ये पी समकोण है, ये है पी, ये हो गया आपका क्या हुआ और ये हो जाएगा आपका आर, चाहे आप इसको आर मान लो चाहे इसको आप पी मान लो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ये क्या हुआ मान लो ये आर हो गया। इसने क्या बोला कि क्या हुआ आर पर, क्या हुआ आर पर कोई बिंदु है एम जो कि लंब है इस तरीके से, आपको बताना है पी एम का स्क्वायर बराबर में क्या हुआ एम और डॉट एम आर आई, ठीक है आपको ये दिया हुआ है ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है दिया है आपको ये दो परपेंडिकुलर है, दिया है आपको कि पी एम परपेंडिकुलर है क्या हुआ आर पर, ठीक है प्रमाण पर आ गए, ठीक है अगर ये देखो ये बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, ये बिल्कुल क्या आ रही है बीच में से जाती है, जब लंब होता है तो ये क्या होता है बीच में से जा रही है, ठीक है लंब जब होता है तो हमारी ये वाली जितनी भी भुजा होगी ना उतनी ही ये होगी, ठीक है ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी, ठीक है तो आपको ये पता चल रहा है कि ये दोनों त्रिभुजें क्या है आपकी, इसका मतलब क्या है समरूप है आपकी, ये त्रिभुज समरूप है प्रमेय से त्रिभुज त्रिभुज पी पी क्या हुआ एम, पी क्या हुआ एम किसके समरूप है आर पी एम के, ठीक है आर पी एम के अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा पी क्या हुआ बटे आर पी बराबर होगा क्या हुआ एम बटे पी एम बराबर होगा पी एम बटे आर एम, ठीक है अब हमें क्या चाहिए पी एम का स्क्वायर चाहिए, देखो पी एम किसके अंदर है इन दोनों के अंदर आ रहा है तो हम ये दो ले लेते हैं, ठीक है हम क्या करते हैं इन दोनों से ये वहां चला जाएगा तो पी एम का स्क्वायर हो जाएगा और ये वहां चला जाएगा तो क्या हु एम और आर एम, देखो यही हमें लेके आना था, क्लियर है प्रूफ हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, थर्ड में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला फिगर दिया हुआ है जिसका ए कोण समकोण है तथा ए सी पर ए सी ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बी डी के ऊपर, आपको ए बी का स्क्वायर किसके बराबर दर्शाना है बी सी और इनटू में बी डी के, ठीक है देखिए आपको अभी जैसे जो क्वेश्चन अभी बताया था सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को कि आपको ये क्या दिया हुआ है एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है देखो इस तरीके से दे रखा है ये है डी ये है बी और ये ए, ठीक है और ये आपको दे दिया सी समकोण, ठीक है आप लिखोगे यहां पर दिया है ए बी डी समकोण त्रिभुज तथा ए सी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बी डी पर, सिद्ध क्या करना है अब देखिए पहला पार्ट तो हमें ये सिद्ध करना है, अब ये देखिए ए बी यहां आ रहा है और बी सी और बी डी
बी सी और ये पूरा है बी डी। क्लियर है मेरी बात? तो आपको पता है ये जो बी सी है और सी डी, बी सी बराबर है सी डी के, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इस डी बी का आधा, या फिर ऐसे कर दो दो गुना इन दोनों का, किसके बराबर है बी डी के। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, आपको पता है ये समरूप है क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, किसके डी बी ए के, समरूप है प्रश्न अनुसार डी बी ए के। ठीक है, ये वाली जो त्रिभुज है ये इस वाली त्रिभुज के समरूप है। वो कैसे, देखो इसमें एक कोण 90 डिग्री का, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें भी है ना बी आता है और उसमें भी बी आ रहा है, तो आपकी ये त्रिभुज समरूप हो ही जाएगी। अगर ये समरूप है तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा, तो ए बी बटे बी बी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी। ठीक है, और तीसरी हो जाएगी ए सी बटे डी ए। लेकिन हमें दो ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी इन दो को यूज करेंगे, ए बी वहाँ चला जाएगा ए बी का स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया बी सी और इंटू में बी डी, यही हमें सिद्ध करना था, ये निकल गया हैंस प्रूफ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसके सेकंड पार्ट में आपको बताना है ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी सी और डी सी के, बी सी और डी सी के। ठीक है, अब देखो अब हमें बी सी और सी डी चाहिए, तो अब हम ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज लेके चलेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है प्रश्नानुसार। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, डी ए सी के। ठीक है, अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर, तो ए बी बटे डी ए बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बटे ए सी, और किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बटे डी सी। अब हमें देखिए क्या चाहिए क्वेश्चन में, मुझे क्या चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं ये दोनों न लेकर इन दोनों का यूज कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ए सी और ए सी, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा वहां जाएगा तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच गया, बी सी इंटू में डी सी, ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, ए डी का स्क्वायर बराबर बताना है बी डी इंटू में सी डी। ठीक है, अब देखिए बी डी इंटू में सी डी, पूरा बी डी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी, ए डी बी। ठीक है, जो पहले पार्ट में हमने किया था वही लेना पड़ेगा, डी बी ए, डी बी ए। ठीक है, ये समरूप है आपकी प्रमेय से, प्रमेय से 6.9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए डी का स्क्वायर बराबर आए बी डी इंटू में सी डी। ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है, आपको पता है त्रिभुज, अब आपको क्या लेनी है, डी ए सी और डी बी ए। देखो इसमें है ना हमें बड़ी वाली और एक छोटी वाली दोनों लेनी है, वो क्यों, देखो छोटे वाली और बड़ी वाली लेनी है तभी तो मेरा बी डी आएगा, बी डी, बी डी पूरा चाहिए और सी डी भी चाहिए। ठीक है, और ए डी भी चाहिए, तो मुझे एक तो छोटी लेनी है और एक बड़ी लेनी है। ठीक है, ऐसे लेनी है, तो मैं क्या करूँगी, त्रिभुज डी ए सी समरूप है त्रिभुज डी बी ए के, अगर ये समरूप है तो इनके ये जो है ये भी बराबर होंगे, तो ए डी इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, डी बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे बी ए बराबर हो जाएगा डी सी बटे डी ए। ठीक है, अब हमें जो चीज़ चाहिए वो ले लो। ठीक है,
यहाँ पर क्या डी ए है तो ये दो चीज़ ले लेते हैं, तो ए डी का स्केयर हो जाएगा बराबर ए सी, ये क्या हो जाएगा इनटू में बी डी, यही हमें शायद सिद्ध करना है। नहीं, हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ कुछ और चाहिए, ठीक है, तो बी डी चाहिए मुझे, बी डी बी डी बी डी तो इसमें आ रहा है, और एक मेरा क्या आ रहा है सी डी चाहिए इसमें मुझे, प्रूफ में क्या चाहिए सी डी, तो हम इन दोनों को बराबर न लेके हम किसको लेंगे, इन दोनों को बराबर लेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ चला जाएगा ए डी का स्केयर बराबर ये वाला उधर चला जाएगा, तो सी डी इंटू में डी बी हो जाएगा, ये चाहिए था, ये हैंड्स प्रूफ आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई ए बी सी ले लिया आपने, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आपने ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी बराबर बी सी, ए ए सी ये तो कभी भी बराबर नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कर्ण है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर कुछ और ले लेते, नाम चेंज कर देते, ये ए ये बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है, ए सी बराबर क्या दे रखा है उसने बी सी, तब भी ये आ रहा है, तो ये तो भी ये नाम नहीं दे सकते, मतलब मैं आपको बता रही हूँ आप क्या नाम दे सकते हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लिया था, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है, अगर सी समकोण है ना तो क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सी पर तो आपको 90 डिग्री वाला ही लेना है, ठीक है, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, और ये दोनों भुजाएं क्या है आपकी बराबर है, क्योंकि उसने क्या बोला ये समद्विबाहु है, ये त्रिभुज आपकी समद्विबाहु भी है और समकोण भी है दोनों, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए बी का स्केयर आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी का स्केयर बराबर आए टू ए सी का स्केयर, ठीक है, ये सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, अगर आपकी ये समकोण त्रिभुज भी है समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको पता है, दिया है, दिया क्या है आपको बी सी किसके बराबर है आपका ए सी के, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है इसका जो स्केयर होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, अगर ये समकोण है तो इसका कर्ण का स्केयर ए बी का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा आपका ए सी का स्केयर प्लस में बी सी का स्केयर, आपको पता है कि बी सी किसके बराबर है ए सी के, तो ए सी आपको क्या चाहिए ए सी में चाहिए, तो बी सी की जगह ए सी रख दो, ए सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टू ए सी का स्केयर, और ये ए बी का स्केयर है ही, यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बी सी के बराबर है, ठीक है, अब आपको क्या करना है ए सी किसके बराबर दिया हो बी सी के, तो यदि ए बी का स्केयर टू ए सी के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, पहले हमें ऐसे दिया हुआ था अब हमें उल्टा दे दिया, सेम चीज वही है कि समकोण त्रिभुज ये दे रखी है, अब आपको ये बताना कि ये चीज तो आपको दी हुई है, आपको ये बताना कि ये समकोण त्रिभुज कैसे हुआ, सिर्फ आपको ये दिया हुआ है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको ये बताना कि ये समकोण है या नहीं है। देखो अगर आप ये बता दो कि इसके अंदर आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का स्केयर अगर आपका बराबर आता है धार का स्केयर प्लस लंब का स्केयर, तो वो क्या हो जाएगी आपकी समकोण त्रिभुज हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये दिया है तो आप लिखोगे यहाँ दिया क्या आपको ए बी का स्केयर बराबर दे रखा है टू ए सी का स्केयर, ठीक है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समकोण है, ठीक है, अब हम प्रमाण पे आते हैं, ठीक है, आपको जो दिया वही उठाते हैं, दिया क्या है ए बी का स्केयर बराबर है टू ए सी का स्केयर, ठीक है, और आपको ये पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, सम फिगर आप यही वाला ड्रॉ करना, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए सी किसके बराबर है बी सी के, ठीक है, अब ये देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्केयर बराबर में ए सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर, ए सी की जगह पर मैं बी सी रख देती तो ए सी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर,
तो ये देखिए ये मेरी क्या बन रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। त्रिभुज है ए बी सी की भुजा 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, आपने एक ऐसे कोई शीर्ष लंब डाल रखा है इसके ऊपर भी, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, शीर्ष लंब डाल दिया, यहाँ भी एक शीर्ष लंब है, यहाँ भी एक शीर्ष लंब है और यहाँ भी एक शीर्ष लंब है, ठीक है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता है कि ये जो शीर्ष लंब होता है ना बेटा, ये क्या होता है, बीच में है, तो ए ये हो जाएगी और ए ये हो जाएगी, बीचों बीच होता है ए ये, ए ये, ए और ए। अब आपको इसके शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। शीर्ष लंब कौन सा, जो आपका ये आता है ना, ये ए डी जो आता है, ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए डी निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं कि ये जो है ये वाला, ये ए डी का स्केयर निकाल रहे हैं हम, कैसे करें देखो, ये करण का स्केयर हो गया, ये आधार का स्केयर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाऊं, ये लंब है ए डी, लंब है किसके ऊपर, बी सी पर, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है। बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर ए और सी डी भी ए हो जाएगा, और सीधा हमें क्या करना है, ए डी हमें निकालना है, ए डी निकालो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ए बी, ए बी का स्केयर, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी समकोण है, ठीक है। तो ए बी का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, मेरा बी डी का स्केयर प्लस में ए डी का स्केयर, ठीक है। ये आ गया ए डी का स्केयर। अब ए बी कितना दे रखा आपको, ए बी ये तो हो गया 2a का स्केयर, ये हो जाएगा बी डी कितना हो गया हमारा, बी डी आपका दे रखा है a का स्केयर, और ए डी, ए डी तो हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2a का स्केयर, दो दूनी 4a का स्केयर, ये हो जाएगा a का स्केयर, ये बराबर हो गया ए डी का स्केयर, ये कितना हो गया 3a का स्केयर बराबर में ए डी, इसके ऊपर रूट आ जाएगा तो रूट 3 ये ए हो जाएगा, ए डी का मान कितना हो गया रूट 3 है, यही तो हमें निकालना था, ठीक है। हमें शीर्ष लंब निकालना था, चाहे शीर्ष लंब आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई भी लंब निकाल देते, एक निकल जाता वो सारे बराबर होते। सेवंथ में देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में क्या होती है, सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये समचतुर्भुज है कि भुजाओं के वर्गों का योग, मान लीजिए ए बी सी डी, इसने बोला इनकी भुजाओं के वर्गों का योग ए बी का स्केयर, बी सी का स्केयर प्लस डी सी का स्केयर प्लस ए डी का स्केयर, इनका सबका योग, सब भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो। विकर्णों के, विकर्ण कौन से हो गए, ए सी और बी डी, इनके विकर्णों के, उनके विकर्णों के, विकर्ण हो गया ए सी, ए सी का स्केयर वर्ग बना दिया, विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर है तो बी डी का स्केयर हो गया, ये आना चाहिए, ठीक है। हमें ये लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम ये, देखो कैसे करें, आपको पता है एक समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज की कोई भी भुजा निकालने का, समचतुर्भुज की भुजा का फॉर्मूला होता है k
कि एक बटा चार रूट विकर्णों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा योग, ठीक है, ये होता है विकर्णों के वर्गों का योग। तो एक बटा चार विकर्ण हो गया ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ठीक है। अब समचतुर्भुज की एक भुजा, कोई भी भुजा मान लो ए बी है, ये इसके बराबर हो गया। इसी प्रकार आप क्या ले लोगे, बी सी, ठीक है, बी सी किसके बराबर हो जाएगा आपका, कैसे करेंगे, एक बटा चार आ गया, ये जो फॉर्मूला है ना वो एक बटा दो है, ठीक है। इसी तरीके से बी सी है एक बटा दो ए सी का स्केयर प्लस में बी डी का स्केयर हो गया, इसी तरीके से डी सी हो जाएगा, इसी तरीके से डी ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सेम ऐसे ये नीचे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक निकाल लेते हैं, स्केयर करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो अगर दोनों तरफ वर्ग करती तो ए बी का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, एक बटा दो का स्केयर, और इसका भी वर्ग कर देंगे, ये तो इससे कट जाएगा, ए बी का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, एक बटे चार, दो दुनी चार, ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ठीक है। इसी तरीके से सारे हो जाएंगे, तो बी सी का स्केयर सबका यही मान आना है, एक बटा चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, फिर अगला डी सी का स्केयर बराबर है एक बटे चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ठीक है। इसी तरीके से डी ए का स्केयर बराबर है एक बटे चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ने में, ठीक है, चारों को जोड़ने पर, ठीक है, चारों को जोड़ने पर ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, डी सी का स्केयर प्लस डी ए का स्केयर, बराबर है किसके, देखो चारों को जोड़ रहे तो एक बटा चार, राइट साइड में एक बटा चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर प्लस एक बटा चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर प्लस एक बटा चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर प्लस एक बटा चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, यही आया, ठीक है। अब ये देखिए सबके सामने एक बटा चार है और चार बार है तो क्या हो जाएगा, चार बटे चार ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ठीक है, ए से कट गया तो किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट के, कैसे आ गया, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस डी सी का स्केयर प्लस डी ए का स्केयर किसके बराबर आ गया, ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ में क्या दिया हुआ है, एट्थ में क्या दिया हुआ है, आकृति दे रखी है 6.54, इसमें त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित है कोई बिंदु, इस तरीके से दे रखा है, ओ डी जो है, ओ डी वो क्या है, लंब है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, इस तरीके से सारे दे रखे हैं, आपको बताना है ओ ओ ए का स्केयर, ओ ए का स्केयर प्लस ओ बी का स्केयर, ये वाला और ये वाला प्लस ओ सी का स्केयर प्लस ओ सी का स्केयर किसके बराबर आए, माइनस ओ डी का स्केयर माइनस ओ ई का स्केयर माइनस ए ई का स्केयर, इस तरीके से आए, ठीक है, क्लियर है। एक बार ये क्वेश्चन एट्थ जो है वो हम बाद में करते हैं, एक बार हम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ करते हैं जो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, सीढ़ी आपने सबने देखी होगी,
एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, ये भूमि है, ठीक है। इससे 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है और सीढ़ी हमेशा ऐसे खड़ी होती है 10 मीटर। तो आपको ये बताना है दीवार की आधार से निचले सिरे की दूरी बताओ, दीवार की और सीढ़ी तक की ये दूरी ये बतानी है, ठीक है, ये बतानी है। आपको पता है खिड़की ऐसे होगी, यहाँ होगी खिड़की 8 मीटर की ऊंचाई पर, और ये धरती है, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर, ये सबसे बड़ा है दिखने में भी पता चल रहा है, बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है आपको, 10 का स्क्वायर, और ए बी कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकालना, ये हो जाएगा 100, ये 64 प्लस बी सी का स्क्वायर, 100 माइनस 64 ये इधर आ गया बी सी का स्क्वायर, 10 में से 4 गए 6, 36 आ गया बी सी का स्क्वायर, रूट यहाँ आ जाएगा तो 6, बी सी की लंबाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 6 मीटर। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर त्रि सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, 18 मीटर ऊंचा कोई एक खंभा है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक वो जुड़ा हुआ सिरा, तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और तार का दूसरा सिरा किसी खूंटी से जुड़ा हुआ है, खंभे के आधार से खूंटी को कितनी दूरी पर गाड़ा गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर खूंटी को गाड़ दिया, मैंने खूंटी को यहाँ गाड़ दिया, देखिए यहाँ मैंने कोई तार लिया, इसके ऊपरी सिरे से तार को जो है किसी खूंटी तक, ठीक है। आपको क्या बताना है कि खंभे के आधार से खूंटी को कितनी दूरी पर गाड़ा गया, मतलब मुझे ये वाली चीज निकालनी है, जबकि तार की लंबाई 24 है, तार की लंबाई कितनी रखी है 24 मीटर, सेम वही चीज दी हुई है आपको, ये त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है, आप एक तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, एक तरीका और भी था जो हम 9th चैप्टर में करते थे, आपको याद भी हो कि हम क्या करते थे, जो हमें चीज निकालनी होती थी लाल कक्का का फॉर्मूला लगा के कर लेते थे, ठीक है, एक वो भी तरीका था, लेकिन ये तो हमारा पाइथागोरस से ही निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ए सी का स्क्वायर बराबर ये कर्ण होगा, सबसे लंबी साइड दिख रही है आपको, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर और ये 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 की कितनी होती है 576। अब देखिए 18 की कितनी होती है, 18 की बताओ, 8 और 8 16, 16 और 6 26, ये होती है 324 प्लस बी सी का स्क्वायर 576, इसको यहाँ लिया, 6 में 4 गए 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये बी सी का स्क्वायर आ गया। अब हमें इसके करने हैं, इसके फैक्टर कर लो, ठीक है, आपको जैसे आते हो। अब हम कैसे करेंगे देख लेना, ये तो आपका ये होमवर्क है, 254 का आपको क्या निकालना है, बी सी वर्ग निकालना है, ठीक है, आप कर लोगे। चार किस किस के टेबल में आता है, 2 की, तो ये तो पूरा वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है, इसको वर्ग करके देख लेना, यही आंसर हो जाएगा बी सी, ठीक है बेटा। इसका आंसर देख लेते हैं, हमारा 10th का क्वेश्चन, हाँ जी देखो 10th क्वेश्चन का आंसर भी रूट में ही आएगा, ठीक है, छिको छिको 36 36 और 7, ठीक है, कर लोगे, ये 2 बेटा, 6 में से 4 गए 2 होते हैं, तो इसके क्या बनेंगे, छिको छिको 36
गुणा सात इस तरीके से बन रहा है। तो छः गुणा सात, तो ये छः बार ले लेंगे क्योंकि रूट में ये आ जाएगा आपका बी सी का मान। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन रह गया एट, वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।